मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए अनसेफ हुए कोविड-19 से, मैं भी काफी सही अनसेफ हूँ कोविड-19 से। सो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही तड़कता भड़कता, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि यार आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया क्या होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कावासाकी Z900 का ओनरशिप रिव्यू। एंड आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं H&D गियर्स दीप भाई के पास। एंड उनके पास जो कावासाकी Z900 है उसका ओनरशिप रिव्यू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यार मज़ा बहुत आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 11, हमें निकलना है घर से। एंड आई यूजली वही रेडी होएंगे, निकलेंगे, स्कूटी उठाएंगे, क्योंकि बाइक तो हमारी निकल नहीं सकती क्योंकि बस ड्यूक 200 है, उसका रेडिएटर गर्म जल्दी हो जाता है, इंजन जल्दी हीट हो जाता है, और क्या करें, अब प्रॉब्लम हो जाती है तो हो जाती है। सो जल्दी है जल्दी चलते हैं, निकलते हैं एंड वीडियो को करते हैं शुरू। सो इसी जल्दी जल्दी दोस्तों दो तीन चीज़ें करो। पहले तो वीडियो को बढ़िया सा लाइक, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि यार देखो आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हो तभी मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, वरना तो मेरा भी मन नहीं करता। और अगर एक चीज़ बताऊँ, मैं फायर क्रैकर्स के वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर ला रहा हूँ, मैं हर 2-3 दिन के गैप पे। सो यार देखो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे चलते रहो, बने रहो। सो गाइस पहले एसेसरीज की बात करें तो फोक प्रोटेक्टर लगा हुआ है जो आपके आगे ब्रेकिंग को प्रोटेक्ट करेगा प्रॉपर। एंड उसके बाद आप देख सकते हो, दिखा रहा हूँ वो अभी, रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है Z900 का प्रॉपर। उसके बाद पीछे के स्पूल्स लग रखे हैं जो आपके स्टैंड पे फिक्स करने के काम आएंगे। एंड पीछे वाले उसके लिए, सिटिंग के लिए आपको ये पैडिंग मिल जाएगी। एंड देन एरो का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। मतलब ना ना करते हुए भाई ने बताया जैसे 1 से 1.5 लाख रुपए की इसमें एसेसरीज लगी हुई है सिर्फ। एंड अभी सिर्फ ये बाइक चली है 1500 किलोमीटर ओनली। एंड Z900 भाई मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट बाइक है, बट वही है बजट चाहिए उसके लिए अपग्रेड करने के लिए। तो अब गाइज आप इंजॉय करिए एक सिनेमैटिक शॉट इसका, फिर बात करते हैं। ओनरशिप रिव्यू, अब पहले आप ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया इस Z900 को लिए हुए? ये Z900 मैंने मार्च में ली थी, तो मार्च के बाद वो 2019 या 2020? 2020। ओ भाई 2020 वर्जन, मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने हुए, बीच में वो लॉकडाउन हो गया था, वो तो है ही है, तो वही 2-3 महीने हो गए समझो। तो अब ये बताओ, आपने जैसे आप बता रहे हो कि इसमें कितने का पहले तो सामान लग रखा है? इसमें अराउंड 1.5 लाख रुपए का सामान लगा हुआ। थोड़ा गिनवाया जाए पहले? ठीक है, बताइए। आप बता दीजिए, फिर बाद में बाइक में दिखाएंगे आराम से। इसमें एरो का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया आपका, ओके, और इसमें आपका रेडिएटर गार्ड हो गया, फ्रंट फोक्स लाइटर्स हो गए, ओके, स्पूल्स हो गए, ओके, और छोटे मोटा सामान हो गया, मतलब काफी सामान लगा हुआ है। अब ये बताओ आपको, अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो कितना खर्चा आपकी पॉकेट पे पड़ता है सर्विस पे? सर्विस अभी तक मैंने इसकी एक ही करवाई है, अभी मेरी ज्यादा नहीं चली है, 1500 किलोमीटर का अराउंड 1500 किलोमीटर चली है, ओके। तो इसका जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट था वो अराउंड 7000 समथिंग था। 7000 समथिंग फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट, आई मतलब सुपर बाइक लेने हैं अगर आपको, सुपर बाइक के हिसाब से रीजनेबल है आपके हिसाब से, अगर सुपर बाइक का, तो अगर आप जैसे बता रहे हो कि सुपर बाइक के हिसाब से रीजनेबल है, तो मेरी जनता जानना चाहती है कि इससे पहले आपने कौन कौन सी सुपर बाइक ऑन करी है? इससे पहले मेरे पास सुपर बाइक्स में, वैसे बाइक्स तो काफी है, सुपर बाइक्स में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बेनेली की 600 आई थी, हार्ले की स्वीट 750, ओके, एबीएस मॉडल, ओके, उसके अलावा मेरे पास TRK 502। मतलब भाई लोग अब एक चीज बता दूं, भाई से हम बैनली 600 आई और स्ट्रीट 750 का रिव्यू जरूर लेने वाले, क्योंकि वो ऐसी बाइक है जो 3-3.5 लाख के अंदर इस टाइम मिल जाती है सेकंड हैंड आराम से।
तो यार लोगों के पैसे बचाने तो आप उसका बताने वाले हो। सो कमिंग बैक टू जीनो, सो ओनली, तो कैसा लगता है आपको, आपने दोनों ऑन करी थी स्ट्रीट 750 और बैनली, एंड अभी जो आप टीआर के बता रहे हो 502, उसके बाद जीनो सो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? बैनली 600i से अगर मैं कंपेयर करूँ, मेरी वो लास्ट बाइक वही थी, तो उसके कंपैरिजन में तो दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन तो हो नहीं सकता क्योंकि 900 cc और 600 cc, सीसी के अलावा भी जो बैनली की क्वालिटी हो गई उससे कावासाकी डे एंड नाइट का बहुत डिफरेंस है। बेटर है, बहुत बेटर है, वो तो मैं सच बताऊं तो बहुत बेटर है बैनली में। सिर्फ जैसे मैंने भी बहुत बारी सुने कि सिर्फ बैनली आवाज के लिए आवाज है का और डिफरेंस कुछ नहीं है। इसमें आपकी पावर हो गई, इसमें आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में अगर आप थ्रॉटल देते हो तो ये मतलब कि इतनी पावर है इसमें, इसका फ्रंट व्हील अपने आप ऊपर आ जाता है, पावर व्हील अपने मारता आप है। खुद व्हील ही मारेगा। आप मुझे ये बताओ यार, कोई अगर नया नया राइडर है जो 200 cc से 900 cc में अपग्रेड कर रहा है, तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहोगे? 200 cc से मैं 900 तो वैसे सजेस्ट नहीं करूंगा, 200 से मैं सजेस्ट कई करूंगा, होते हैं, कई होते कई हैं। होते हैं बट ठीक है, मतलब कि 200 से 900 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, तो पावर का थोड़ा सा ध्यान रख के चलाए, राइडिंग गियर्स अपने पूरे पहने। तो अब एक चीज और, सर्विस की हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात करी जाए कि बाइक खर्चा कितना मांगती है, अगर बात करा जाए पेट्रोल कितना पीती है। ये तो सारे मतलब कि वो इंडियन वाला जो यार किसी के दिमाग में होता ये है ना इंडियंस के दिमाग में मेनली यही है, बाइक सर्विस कितना एवरेज। मांगती है, एवरेज कितना देगी, बाइक्स के स्ट्रीट परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं, वो मेन रहता है ये सब चीजें। एवरेज इसकी डिसेंट है, सिटी में आपको 14 के अराउंड इसकी एवरेज मिलती है, और हाईवे पे 18-19 कभी कभी 20 भी, अगर आप थोड़ा ढंग से चलाओ 100-110 की स्पीड पे क्रूज करो हाईवे पे तो 20 भी दे देती है आराम से, 20 दे देगी, मतलब यार मेरी ड्यूक के बराबर ये ड्यूक देती है, हाँ। कितना मुझे 25-30 के हिसाब के आसपास देती है, ये दे देगी 20, तो दे बहुत सही है। सो कितना लॉन्ग राइड करी अब अपने इसमें? अभी तो मैंने ज्यादा नहीं चलाई, वो संडे राइड्स हो गया आपकी, यमुना एक्सप्रेस हो गया, मूसल हो गया, KMP हो गया सब। इसमें आप पूछा जाएगा कि सिटिंग पोस्चर कैसा रहने वाला है? सिटिंग पोस्चर काफी इसका बढ़िया है, इसका पूरा मतलब कि ना ज्यादा अग्रेसिव है ना ज्यादा अपराइट है, जो मतलब कि प्रॉपर होना चाहिए ना वही है। क्योंकि मेनली बंदों का ये भी कंसर्न रहता है कि यार सिटिंग पोस्चर एक बाइक का कैसा है कैसा नहीं है, ज्यादा एग्रेसिव होता है कमर में दर्द होने लग जाएगा, ज्यादा नॉर्मल रहेगा तो अपराइट में भी बंदे हो पागल हो जाएगा, तो होता है। इसका मेन वही एक कंसर्न होता है कि यूजर अगर लेना चाहेगा तो कि सिटिंग पोस्चर कैसा था। इसका थोड़ा सा अग्रेसिव है, मतलब कि इतना अग्रेसिव भी नहीं है कि आपको देखो अगर आप हो सुपर बाइक ले रहे हो तो थोड़ा अग्रेसिव तो थोड़ा वैसे भी अग्रेसिव आ चाहिए। जाएगा, वो तो कोई नो डाउट नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। So, मुझे लगता है ये मेन यही होता है कि जो एक बंदा ढूंढ रहा होता है, और हाँ, एक मेन अगर बंदा इसे ले रहा है तो पॉकेट पे मार कितना पड़ता है ये बताओ, आपकी पॉकेट पे कितना मार पड़ा ये है? आपका BS4 मॉडल है तो इसमें मुझे थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, वो अच्छा मैं ये आपको BS4 है अभी? BS4 है ओके। तो मैंने मार्च में ली थी जब BS4 का सारा सीन हो रहा था, तो डिस्काउंट तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं वो ठीक है, वो हाँ। आपका पर्सनल मैटर है, वो मैं चाहूंगा उस मैं टाइम जिस टाइम मैंने ये ली थी तो 8.6 की थी, 8.6 लाख्स की, 8.6 लाख्स, और जो आफ्टर मार्केट इसमें पार्ट्स है वो अलग से, वो आप जैसे ही बता रहे हो 1-1.5 लाख रुपए डेढ़ के लाख रुपए आफ्टर मार्केट लगा हुआ है इसके अंदर सामान, मतलब आपको अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर आपने स्ट्रीट 750 भी ऑन करी, बैनली भी ऑन करी, इसके इसमें आपको सेटिस्फैक्शन दिख रहा है या अभी भी डिमांड है कि यार बूसा पे अपग्रेड करना है, मुझे 1300 cc है ZX10R पे अपग्रेड करना है? देखो जो मतलब कि डिमांड्स है वो तो कभी पूरी नहीं हो वो तो सकती, हो नहीं सकती, बट फिर भी एक होता है ना कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूँ, अभी मैं थोड़ा टाइम इसे रखूँ आराम। अभी करंटली तो मैं सेटिस्फाई हूँ, बट वही है 1000 cc का प्लान है मेरा इन फ्यूचर, कोई वही है सुपरस्पोर्ट वही ना। है वही है, अब या तो BMW आएगी भाई की, या फिर बूसा, या फिर वो ZX10R। लीडर क्लास 10R हो गए आपके, फिर 1000 उनमें से कोई देखेंगे। तो बढ़िया यार, थैंक्स, आपने पूरा रिव्यू दिया, जनता जानना चाहती थी चीजों को। तो गाइस इसका अभी मैं आपको सुनाता हूँ एग्जॉस्ट का साउंड, जो एरो का फुल सिस्टम है किसका है, एरो एरो का फुल एरो सिस्टम के है आपके हेडर्स हो गए, एरो का ही आपको स्लिप ऑन हो गया। ओके तो अभी उसकी आवाज नहीं हो रहा।